Good morning students. Today we are going to start some switch over on page number 68. Okay, so kindly open your books at page number 68. Now children, yesterday we have already started multiplication. Let us do few more sums. First of all, read the question carefully. Write as एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. सो हमने कल ऑलरेडी ये सीखा था कैसा मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन ही. सो अभी जो सम करेंगे इसमें इसको पहले एडिशन में भी करेंगे, इन द सेम वे मल्टीप्लीकेशन में भी इसको शो करेंगे. इज इट ओके? राइट एज मतलब अभी आपको इसको एडिशन में भी लिखना है और मल्टीप्लीकेशन में भी. इज इट ओके? नाउ सी क्वेश्चन नंबर वन. कितने पेयर्स हैं हियर? कितने ग्रुप्स ऑफ पेयर्स है? देखिए एक एक ग्रुप में टू टू आइटम्स है. सो दिस इज द फर्स्ट वन, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ. ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं ये सब लिख रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट वाली ग्रुप में कितने हैं? टू. देन अगेन टू. ऐसा टू को हम कितने बार लिखेंगे? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. सो टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, प्लस टू टेन, प्लस टू इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन. ये एडिशन में हमने शो कर दिया. इसको मल्टीप्लीकेशन में कैसा शो करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में इधर कितने ग्रुप्स है? एट ग्रुप्स है. सो एट ग्रुप्स और एक एक ग्रुप में कितने पेयर्स है? टू टू पेयर्स है. सो एट टू सा 16. इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू दिस. अब इधर देखिए एक एक ग्रुप में क्या है? ये एप्पल्स. सो वन टू थ्री, कितने एप्पल्स है एक ग्रुप में? थ्री एप्पल्स है. एंड हियर हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? वन टू थ्री फोर एंड फाइव ग्रुप्स. सो एक एक ग्रुप में कितना है? थ्री थ्री एप्पल्स. सो फर्स्ट ग्रुप का थ्री, देन सेकेंड ग्रुप का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो फाइव टाइम्स हम थ्री को ऐड करेंगे. सो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री इट इज फिफ्टीन. नाउ इसी को मल्टीप्लीकेशन में कैसा शो करेंगे हम? हाउ कैन वी शो दिस? कितने ग्रुप्स है इधर हमको? फाइव ग्रुप्स है. फाइव और एक एक ग्रुप पहले मल्टीप्लीकेशन में जब आप शो करेंगे ग्रुप्स कितने हैं वो पहले लिखेंगे और नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन की सिंबल क्रॉस, क्रॉस लिख के एक एक ग्रुप में कितने आइटम्स है? थ्री थ्री आइटम्स है. सो फाइव थ्री सर कितना है बेटा? फाइव थ्री सर यस 15. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेली आप टेबल्स बोलेंगे. ओके, रोज आप मम्मी पापा या कोई ब्रदर सिस्टर जो भी है आपके घर में एल्डर्स उनको डेली टेबल सुनाइए. ओके बेटा, नाउ लेट अस डू द थर्ड वन ऑल्सो. हियर वी कैन सी सम ब्यूटिफुल सनफ्लावर्स. ओके, सो हाउ मेनी सनफ्लावर्स आर देयर? वन टू थ्री फोर. ऐसा हम कितने ग्रुप्स देख सकते हैं? दिस इज फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड वन एंड थर्ड वन. सो थ्री ग्रुप्स ऑफ सनफ्लावर्स है और एक एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स है? फोर फोर है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट एज एडिशन. हमको क्या करनी है? एडिशन में भी शो करनी है, मल्टीप्लीकेशन में भी. एडिशन में कैसा शो करेंगे? पहले फोर है, प्लस और फोर भी है, प्लस और फोर है. सो फोर प्लस फोर एट, एट प्लस फोर नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व. सो हमने एडिशन में शो कर दिया. नाउ मल्टीप्लीकेशन में इसको कैसा शो करेंगे आप? हमेशा मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या करने हैं? कितने ग्रुप्स है? थ्री ग्रुप्स है और एक एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स है? फोर फ्लावर्स है. सो थ्री फोर सर ट्वेल्व, थ्री फोर सर ट्वेल्व. सो सेम एडिशन में भी आपको यही आंसर आया, मल्टीप्लीकेशन में भी यही आया. सो नाउ फोर फाइव एंड सिक्स यू आर जस्ट गोइंग टू डू ऑन योर ओन. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 69. ओके, इन दिस पेज लेट अस सी द फिलअप्स. फिलअप्स गिवन हियर, फ्यू फिलअप्स आर देयर. सी द फर्स्ट वन, टू को टू और ऐड किया तो कितने आया बेटा? फोर. और टू ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यस इट विल बी सिक्स. फोर प्लस टू सिक्स. नाउ सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व. सो एडिशन में दिखाया हमने. नाउ मल्टीप्लीकेशन में सिक्स टू सर, यस सिक्स वन सर सिक्स, सिक्स टू सर ट्वेल्व. नाउ सी हियर थ्री को प्लस थ्री करिए, फोर फाइव सिक्स. नाउ सिक्स को प्लस थ्री करिए, सेवन एट नाइन, नाइन प्लस थ्री टेन, इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री
13 14 15 15 plus 3 16 17 18 18 plus 3 19 20 21. सो हमने थ्री कितने टाइम्स प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन टाइम्स अगर थ्री को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है बेटा, 7 3 sir 21. नाउ 4 प्लस 4 इट विल बी 8. नाउ 8 प्लस 4 12 12 प्लस 4, ऐसा आगे तक करके आप सेम प्रोसीजर फॉलो करके सी टू ई एस एच डब्ल्यू यू कैन डू दिस. इज इट ओके चिल्ड्रन? इसमें कुछ नहीं करनी है, आपको एरो दिया है और 4 है तो प्लस 4 करिए, ऐड करिए, नेक्स्ट नंबर लिखिए, फिर प्लस 4 करिए, नेक्स्ट नंबर, फिर नाउ 12 को 4 ऐड करिए, वो नंबर लिखिए, देन अगेन प्लस 4, इन द सेम वे यू हैव टू कंटिन्यू ऑन डूइंग दिस. इज इट ओके? सो कंप्लीट सी डी ई एज योर एच डब्ल्यू. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज गिवन हियर, मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन. सो ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दे दिया इस इधर और आपको इसको रिपीटेड एडिशन में शो करना है. अभी अभी तक हमने यही तो सॉल्व किया इन पेज नंबर 68 में भी, एडिशन जैसा भी दिखाया और मल्टीप्लाई जैसा, और ऊपर भी हमने ऐड करके भी दिखाया, उसी को मल्टीप्लीकेशन में शो किया. नाउ मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन दिया, इसी को आप रिपीटेड एडिशन से शो करिए. 4 7 सर, सो इधर दो नंबर है, देखिए फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड नंबर 7 है. तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आप सेकंड वाली जो नंबर है उसको रिपीटेडली लिखना है. कितनी बार लिखना है, फर्स्ट में जो नंबर है उतनी बार, बस इधर आपको कन्फ्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इज इट ओके चिल्ड्रन? बिकॉज आपको फर्स्ट नंबर कभी नहीं लिखनी है. 4 times of 7 मतलब 7 को 4 times हमको रिपीटेडली लिख के उसके आंसर लिखना है. इज इट ओके? सो 7 plus 7 14 14 plus 7 21 21 plus 7 28. नाउ 7 times of 4 7 4s are, इसका मतलब क्या होता है बेटा, 7 times आपको 4 को लिखना है, 7 को नहीं, 7 times 4 को लिखना है. तो 4 को 7 times लिखिए, 4 plus 4 3 4 5 6 7. कितने बार लिखा हमने 4, एक बार और आपको कन्फ्यूजन हो तो चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 times. सो नाउ इसको ऐड करते जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन दे दिया इधर, इसको हमको रिपीटेड एडिशन करके शो करनी है. 4 plus 4 8 8 को 4 ऐड करिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 16 को 4 17 18 19 20 20 को 4 ऐड करिए, 21 22 23 24 24 को 4 ऐड करिए, 25 26 27 28. सो आवर आंसर विल बी 28. नाउ 3 9 sir 3 9 sir मतलब 3 times of 9 मतलब आपको इधर कौन सी नंबर लिखना है, सेकंड वाली नंबर क्या है, 9. 9 को कितनी बार लिखनी है, 3 times 9 plus 9 plus 9 equal to 9 plus 9 करिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18. और 18 को एक 9 और ऐड करिए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27. सो आर आंसर विल बी 27. सो चिल्ड्रन इधर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे हम, क्वेश्चन को अच्छा से जो भी क्वेश्चन दिया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो दिया उसको प्रॉपर रीड करिए. 2 6 सर मतलब 2 times of 6 सिक्स को हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा बेटा, 2 times. 2 6 सर की मतलब 2 times of 6 6 plus 6 कितना है, 6 को 6 फिंगर्स और ऐड करनी है हमें, 7 8 9 10 11 12. और आंसर विल बी 12. सो इन दिस वे यू आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम ई टू जे एज योर टुडेज होमवर्क. इज इट ओके चिल्ड्रन? नो नीड ऑफ कन्फ्यूजन, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, क्या करनी है, क्वेश्चन प्रॉपरली रीड आउट करनी है. जैसे इधर प्लस करनी है तो आप प्लस करते हुए लिखेंगे और आगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लिखेंगे. नीचे मल्टीप्लीकेशन दिया उसकी रिपीटेड एडिशन करनी है तो आपको क्या करनी है, सेकंड वाली जो नंबर है उस नंबर को फर्स्ट में जो नंबर दिया उतनी बार रिपीटेडली लिख के ऐड करके दिखानी है. इज इट ओके चिल्ड्रन? होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द वीडियो. थैंक यू.